आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी मुरादाबाद महाजन के आदेश की सदस्यता में जनपद मुरादाबाद में चलाए जा रहे प्रचार अभियान के अंतर्गत माह फरवरी 2023 में आबकारी टीम द्वारा महेंद्रपाल डीओ की अध्यक्षता में मुख्य विभिन्न अवैध शराब के संदिग्ध में एवं चेकिंग की कार्यवाही के दौरान कुल 162 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और कुल 8489 बल्क लीटर अधिकृत अवैध शराब बरामद हुए। महेंद्रपाल डीओ ने अपने आबकारी टीम को निर्देश दिए कि कच्ची दारू वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और आए दिन छापेमारी की जाए ताकि उन नौजवानों का जीवन बच सके जो खतरनाक सेवन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। टीम में मुख्य रूप से जय प्रकाश सिंह, सिद्धार्थ विक्रम सिंह, राजेश कुमार सिंह, अजय सिंह, नीरज सिंह, अजय यादव आदि शामिल रहे। देखिए, जो आबकारी है उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुपालन में जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब के अड्डों और रोड चेकिंग और जो संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की जाएगी, जिसमें 6 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में जो संबंधित SDM नगर मजिस्ट्रेट और जो संबंधित आबकारी निरीक्षक और वहाँ संबंधित क्षेत्रीय जो पुलिस अधिकारी CO शामिल है। सर, अब तक आपने कितना अल्कोहल बरामद करा था और कितने को आपने वांछित रहा? और इस माह जो विगत माह फरवरी में हमारी जो टीम जो टीमों द्वारा कुल जो है 162 केस रजिस्टर किए गए, पकड़े गए हैं और जिसमें जो 8489 लीटर बल्क लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। जी सर, आपकी टीम में कौन कौन सम्मिलित है? इस समय जो टीमें हैं मैंने अभी जो बताया आपको, हमारे जो संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, संबंधित क्षेत्रीय जो CO पुलिस CO क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्राधिकारी और संबंधित SDM और नगर मजिस्ट्रेट शामिल हैं जो जिलाधिकारी द्वारा जो टीम गठित की गई है। सर, होली के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो मैं होली के सब ये कहना चाहूँगा कि समस्त जनपदवासियों को, समस्त जो सज्जनों को, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि होली के त्यौहार पर शराब की खपत बढ़ जाती है और इसमें अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति सक्रिय हो जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके अवैध शराब बेचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं अपील करना चाहूँगा कोई भी अवैध अड्डों से कोई भी व्यक्ति शराब खरीद के न पिए, ये शराब जहरीली हो सकती है, इसमें मिथाइल एल्कोहल मिला हुआ हो सकता है। मिथाइल एल्कोहल एक घातक विष है जिसके अल्पमात्र सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो मैं पुनः यही अपील करना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अवैध अड्डों से शराब खरीद के न पिए और खुशी से अपना त्योहार मनाए।